Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दया। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कैलस कल्चर। तो कैलस कल्चर में हम ये समझेंगे सबसे पहले कि कैलस होता क्या है, व्हाट इज कैलस। देन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैलस कल्चर क्या है, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं कैलस कल्चर के, भाई किन किन स्टेप्स के थ्रू आप जो है कैलस कल्चर करते हैं। तो कैलस कल्चर में आपको देखना होगा, जो ये समझने वाली बात है कि कैलस कल्चर जो है वो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, तो वो चीज़ें हमें समझनी होगी। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे इनके एप्लीकेशंस के, भी कैलस कल्चर जो है वो उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे साथ में, इजी टॉपिक है। ठीक है, तो कैलस कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझने में आना चाहिए कि कैलस है क्या आखिर। तो जो कैलस है वो क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सप्लांट, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्सप्लांट इन कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको, कैलस जो है वो क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड, कोई शेप नहीं होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मास ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सप्लांट से होता है इन कंट्रोल्ड कंडीशन। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है। ठीक है, मेरिस्टमेटिक सेल्स से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, और फर्दर जो है वो डिवाइड हो, डिफ्रेंशिएटेड होगा, और डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगा, फर्दर जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप बनाना चाहो, कि आप एम्ब्रियो बनाना चाहते हो तो एम्ब्रियो बना सकते हो, ऑर्गन बनाना चाहते हो तो ऑर्गन बना सकते हो, या आपको जाइलम फ्लोएम वगैरह एस्ट्रोजेनेसिस की प्रोसेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलस आपको समझ में आया, देन कैलस कल्चर क्या होगा। तो कैलस कल्चर जो है वो क्या होगा, एक्चुअली जो है प्रोडक्शन ऑफ कैलस कल्चर जो है वो क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस। ठीक है, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस इन विट्रो। ठीक है, तो इन विट्रो जो है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस जो है किसका, कैलस का, वो क्या कहलाता है, कैलस कल्चर। ठीक है, अब ये जो होता है इन विट्रो इन न्यूट्रिएंट मीडिया, तो इन न्यूट्रिएंट मीडिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इन विट्रो सफिशिएंट होता है, इसे हम समझ सकते हैं, और इन न्यूट्रिएंट मीडिया भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस इन विट्रो इन न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जो कि आप यूज करोगे इसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो कैलस समझ में आया, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था कैलस क्या होता है, वहाँ पर आपको देखना होगा कि अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स क्या है, कैलस है। ठीक है, साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन भी करना होता है, कैलस को बनाना भी होता है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, तो ये कैलस कल्चर में होता है। ठीक है, अब जो है कैलस कल्चर में किया कैसे जाता है, ठीक है, इसका जो स्टेप्स है वो किस तरीके से है, कि भाई किस तरीके से कैलस कल्चर किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप क्या होता है कि आपके पास क्या होगा, कोई प्लांट होगा। ठीक है, ठीक है, प्लांट है, इसकी ये लीव्स हैं। ठीक है, तो आप एक्सप्लांट जो है इससे आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट जो है वो आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, तो एक्सप्लांट जैसे कि आपने लीफ है भाई, मान लिया कि आपने लीफ ली है, तो आप क्या हो जाएगा, आपका ये एक्सप्लांट हो जाएगा, और ये क्या था अपना, सिलेक्शन ऑफ मैटरनल प्लांट या पेरेंट प्लांट बोल देते हैं, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट लिख देते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट कि भाई आपने जो एक्सप्लांट ये लिया है इसकी सरफेस पे हो सकता है कई सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप वैसे थ्री स्टेप भी काउंट कर सकते हो, फोर्थ स्टेप भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, देन मीडिया प्रिपरेशन लिख सकते हैं हम, मीडिया प्रिपरेशन। ठीक है,
फोर्थ स्टेप है, ठीक है। इसके बाद में जो है आप क्या करोगे, एक्सप्लांट प्रिपरेशन करोगे, एक्सप्लांट प्रिपरेशन, ठीक है, एक्सप्लांट प्रिपरेशन होगी फिफ्थ स्टेज। उसके बाद में क्या करोगे आप, इसे इनोकुलेशन करोगे, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, सिक्स स्टेप होगी। उसके बाद में क्या होगा, इनक्यूबेशन होगा, इनक्यूबेशन सेवन्थ स्टेप हो गई। इनक्यूबेशन के बाद में जो है आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस वाला क्या स्टेप हो जाएगा, सब कल्चर, सब कल्चर ऑफ कैलस, ठीक है। तो ये एट स्टेप होगी। तो इस तरीके से जो है कैलस प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस जो है वो आप इसे एट स्टेप में डिवाइड कर सकते हो। तो अब हम जो है यहाँ पर वन बाई वन जो है स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ पर हमारे पास में। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट में जैसे कि आपको किससे एक्सप्लांट लेना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस प्लांट का जो है वो पीटीसी करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लांट का जो जिस प्लांट से आपको एक्सप्लांट सेलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है, उसका आप क्या करोगे, सेलेक्शन करोगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट है, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो जो होता है, प्लांट जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो असेप्टिक कंडीशन जो है वो उसमें मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो असेप्टिक कंडीशन का थोड़ा बहुत हम जो है वो ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। सेकंड प्लांट, सेकंड स्टेप जो है वो क्या है हमारे पास में, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, कि भाई ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हाँ भैया इसका जो हमें पीटीसी करेंगे तो इसका हमें एक्सप्लांट लेना है। तो एक्सप्लांट जो होता है वो क्या होता है, प्लांट पार्ट होता है जिससे आप क्या करना चाहते हो, कैलस डेवलप करना चाहते हो या पीटीसी करना चाहते हो, तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्लांट हो जाता है। तो एक्सप्लांट को वैसे लिखा जा सकता है कि साइज्ड पीस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो एक साइज पीस होता है, ठीक है, एक साइज पीस ऑफ प्लांट, प्लांट से आपने जो पार्ट काटा है वो क्या हो जाएगा, जिसे आप यूज करोगे फर्दर, वो आपका एक्सप्लांट होगा, ठीक है। तो एक्सप्लांट में देखिए, एक तो आप ये लिख सकते हो कि भाई एक्सप्लांट क्या हो सकता है, एक्सप्लांट के तौर पर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे फिर भी जो है एग्जाम्पल्स होते हैं एक्सप्लांट के कुछ, जैसे कि आपने मेरिस्टेम लिया है, ठीक है, सूट टिप लिया है, सूट टिप ले सकते हो आप, लीफ की सेल्स ले सकते हो, लीफ मेसोफिल सेल्स जो होती है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जो है कई सारी जैसे कि रूट है, तो रूट के अंदर से कुछ सेल्स ले सकते हैं आप, रूट का यूज, रूट पार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे कि एंथर कल्चर करते हैं तो हम एंथर ले लेते हैं, या जो एम्ब्रियो कल्चर करते हैं तो एम्ब्रियो यूज करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक्सप्लांट के अंदर कंसिडर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप एक्सप्लांट में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जब आप आइसोलेट, जैसे कि आपने ये आइसोलेट किया है तो आप इसी हिसाब से आइसोलेट करोगे एक्सप्लांट को कि वो उसमें प्रॉपर सेल्स हो, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेल्स जो है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेल्स होना चाहिए उसमें। कि आप छोटा सा लिया है कहीं एक्सप्लांट, उसमें सेल्स नहीं है, फिर क्या, तो आप आगे कटिंग करोगे क्या, आप उन्हें प्रिपेयर करोगे क्या, आप उनको ग्रो करवाओगे, तो एक जो मिनिमम जो साइज है कि एक ऑप्टिमम साइज जो एक्सप्लांट की आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अपने क्लियर होते कि भाई इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो स्टेप है, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट या प्रीमीडिया प्रिपरेशन, दोनों में से आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप पर, ठीक है, आपकी भाई आपके हैंडलिंग किस तरीके है, कि आपको ये लग रहा है कि प्लांट मटेरियल है वो डेड नहीं हो जाएगा, उसे आप अच्छे से इजीली मेंटेन कर सकते हो, मीडिया जो बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मीडिया बनाने में भी लगभग जैसे कि 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो कई बार क्या करते हैं, लैब में जो स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं,
मीडिया पहले से तैयार करके रखते हैं, तो वो कंडीशन भी हो सकती है कि आप मीडिया पहले से तैयार करके रखो, बट प्रोसेस के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि मीडिया प्रिपरेशन आपको कब करना है। तो हम थर्ड जैसे कि लिखा है वही लिख देते हैं कि सरफेस स्टरलाइजेशन, ऑफ एक्स प्लांट, ठीक है। ये आप कैसे करोगे सरफेस स्टरलाइजेशन, जैसे कि आप लीफ लेके आए सबसे पहले, तो सबसे पहले उसे क्या करोगे, वॉश करोगे, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, वॉश विद वाटर, ठीक है। ये टैप वाटर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट में क्या किया, वॉश विद वाटर करोगे, जैसे कि नल के अंदर आप लिया है, नल के नीचे इसको साफ कर लिया, या पानी के अंदर रख के साफ करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे लीफ है तो उसे सबसे पहले पानी से साफ करोगे, वाटर के साथ वॉश करोगे, उसके बाद में इसे जैसे कि टिपोल जो होता है उससे वॉश कर सकते हैं, तो 5% जो है टिपोल जो है उससे आप वॉश कर सकते हैं, मतलब ये डिटर्जेंट है यहाँ पर, तो डिटर्जेंट यूज करते हुए आप जो है वो उससे क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो टिपोल जैसे कि या अदर कोई डिटर्जेंट आप यूज करना चाहो तो उससे क्या करोगे, आप इसे वॉश कर लोगे, ठीक है। तो ये कम से कम 10 मिनट जो है आप रखें, आप उसे साफ करें, उसके बाद में क्या करेंगे, इसे हम फिर से जो है डिस्टिल वाटर से वॉश कर सकते हैं हम, ठीक है। तो वॉश विद डिस्टिल वाटर, वॉश विद डिस्टिल वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसे वॉश करेंगे 70% इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इससे वॉश करेंगे। इससे भी जो है लगभग आप 10 मिनट तक इसे वॉश कर सकते हैं, इसके अंदर डिप करके रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इथाइल एल्कोहल के अंदर आप क्या कर दोगे, इसे डिप कर दोगे 70%, ठीक है। अगेन जो है फिर उसके बाद में जो आप इसे ट्रांसफ़र करोगे, सरफेस स्टरलाइजेशन जो होता है और उसके तौर पर जो आप यूज कर सकते हो, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं सरफेस डिसइंफेक्टेंट के हैं, जैसे कि 0.5 to 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग जो है 15 से 25 मिनट तक जो है इसमें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, 15 से 25 मिनट तक। उसके बाद में जो है आप इसे क्या करोगे, फिर से वॉश करोगे, किससे, स्टरलाइज्ड डबल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, स्टरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर लिख देते हैं, डबल डिस्टिल्ड वाटर की नहीं, स्टरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यूज करेंगे, और उसके बाद में जो है इसका क्या करेंगे आप, स्लाइसिंग वगैरह जो होती है वो प्रोसेस जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो है लास्ट स्टेप होगी इसकी। तो स्टरलाइजेशन जो होता है, सरफेस स्टरलाइजेशन, उसके ये स्टेप्स हैं, सबसे पहले पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद में डिटर्जेंट से वॉश करेंगे, उसके बाद में फिर इसके डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, उसके बाद में इसको हम इथाइल एल्कोहल से वॉश करेंगे 70%, 10 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद में जो है इसमें सरफेस डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, जो कि 0.5 to 1% हो सकता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, और 1% मर्क्यूरी क्लोराइड यूज कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में जो है स्टरलाइज्ड डिस्टिल वाटर से आप इसे वॉश करोगे। तो ये है सरफेस स्टरलाइजेशन, ताकि इसकी जो सरफेस में माइक्रोब्स वगैरह हैं वो अलग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है मीडिया प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो मीडिया प्रिपरेशन है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है कि पीटीसी मीडिया, तो वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि पीटीसी मीडिया जो होता है वो किस क्या क्या कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बनाने की प्रोसेस जो होती है वो अमूमन जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है, बस उसमें आपको केमिकल कंपोजिशन वगैरह का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीडिया प्रिपरेशन जो है वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो है जैसे एमएस मीडिया जो होता है वो ज़्यादातर इसके लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें क्या होंगे, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होगी जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद में जो है वो एक्स प्लांट प्रिपरेशन है, एक्स प्लांट प्रिपरेशन में जैसे कि लीफ है उसका ही क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो है इसके सेगमेंट जो है वो आपको बने हुए नज़र आएंगे, ठीक है, मतलब इनके इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर देंगे, ठीक है। तो एक्स प्लांट प्रिपरेशन जो होगी उसमें क्या करेंगे हम,
स्प्लाइसिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे इसके, या कटिंग बोल सकते हैं, कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कटिंग करेंगे एक्सप्लांट, जो आपका जो प्लांट पार्ट था उसकी कटिंग करेंगे तो एक्सप्लांट प्रिपेयर हो जाएगा। ये इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि ज़्यादा छोटी साइज़ नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा छोटी होगी तो सेल्स प्रॉपर नहीं होगी, सेल्स जो सफिशेंट अमाउंट में नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ होगी भी तो क्या होगी, धीरे होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट जो होता है वो ऑप्टिमम साइज़ का लेके चलते हैं ताकि ग्रोथ जो है वो हो सके। सब इसके बाद में जो है वो है इनोक्यूलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडिया। ऑफ एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडिया, तो जो मीडिया आपने बनाया था उसमें क्या करोगे आप, एक्सप्लांट जो है इनोक्यूलेट करोगे। तो इस तरीके से फ्लास्क के अंदर जो है हम मीडिया प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और इस पर जो है वो एक्सप्लांट जो है वो क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लांट बनाया था वो क्या कर दोगे आप, इसमें ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं, ठीक है, तो कॉटन प्लग लगा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और फिर इसके इसका क्या करेंगे, इनक्यूबेशन करेंगे। तो जो इनोक्यूलेशन है उसका मीनिंग क्या है कि जो एक्सप्लांट आपने बनाया है उससे आप क्या करोगे, इस तरीके से मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वो लेमिनार एयर फ्लो पर होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेमिनार एयर फ्लो पर बैठ कर जो है इसका इनोक्यूलेशन करेंगे। इनोक्यूलेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि एक्स प्लांट को मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करना जो है, प्रोसेस जो होता है वो इनोक्यूलेशन कहलाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो होती है ये जो प्रोसेस है, जैसे कि आप इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रिट लैम्प रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो पर, जैसे कि लेमिनार एयर फ्लो है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये स्प्रिंट लैम्प रखा हुआ है, और इस पर जो है इस तरीके से फ्लास्क को हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और इधर जो एक्सप्लांट है उसको क्या करेंगे, चिमटी वगैरह जो होती है उससे पकड़ कर इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, जब इसमें ट्रांसफ़र हो गया है, अब इसका क्या करेंगे, इनक्यूबेशन, जो कि लास्ट वाला जो सेकेंड लास्ट स्टेप है इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मीनिंग है कि ये जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, इनोक्यूलेट कर दिया है, अब आप उसे ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर रखोगे। तो इनक्यूबेशन जो है वो लगभग जैसा कि होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, कंडीशन रखी जाती है, तो उसके अंदर आप जो है इसे मेंटेन करोगे। एंड नेक्स्ट स्टेप है इनक्यूबेशन जो होता है वो क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, बट इसमें क्या होता है जैसे कि आफ्टर 15 डेज जो है वो आपको जो है कैलस जो बनता हुआ थोड़ा बहुत नज़र आएगा आफ्टर 15 डेज के बाद में, ठीक है, आफ्टर कैलस फॉर्मेशन, स्टार्टिंग बोल सकते हैं, पूरा नहीं बनेगा, स्टार्टिंग ऑफ कैलस कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब 6 to 8 वीक्स हो जाएंगे, ठीक है, 6 से 8 सप्ताह हो जाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सब कल्चर, ठीक है। तो ये सब कल्चर वाला पॉइंट और देख लेते हैं इसमें कि भाई सब कल्चर की रिक्वायरमेंट है क्या, आखिर में सब कल्चर होता क्या है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सब कल्चर क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या है, सब कल्चर ऑफ कैलस, ठीक है। तो सब कल्चर जो है वो क्या है, मेंटेनेंस वाली स्टेप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैलस का प्रोडक्शन, तो हमने यहाँ तक प्रोडक्शन किया है, इसके बाद में ये वाली जो स्टेप है वो है मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लास्क था जिसके अंदर आपने डेवलप किया है अपना कैलस, ठीक है, तो कैलस कुछ इस तरीके से बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है, और आपने जैसे कि 2-3 सेल्स यूज की थी तो आपको इस तरीके से कैलस जो है वो बने हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है, ये मीडिया है। अब होता क्या है, सब कल्चर का मीनिंग ये है कि ये जो यहाँ पर जो कैलस बना हुआ है उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लग जो है वो हटा देंगे, ठीक है, प्लग हटा देंगे, इसका प्लग हटा कर इससे जो कैलस बना हुआ है इसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये जो कैलस है इसे बाहर निकाल लेंगे। इस कैलस को क्या करेंगे, इसको स्लाइसिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, तो कैलस जो है वो इस तरीके से इसके टुकड़े बना लेंगे हम, ठीक है। इन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, फर्दर जो होती है टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनमें क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र, जिनमें क्या है ऑलरेडी मीडिया है, ठीक है, आपने मीडिया रख रखा है, ठीक है, इनमें आप क्या करोगे, इनको ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ इसमें ट्रांसफ़र कर दिया,
ठीक है, और इन्हें क्या कर देंगे हम फर्दर बंद कर देंगे, इसी तरीके से कॉटन प्लग जो है वो लगा देंगे, तो ये क्या होगा इसमें ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब कल्चरिंग। ठीक है, तो सब कल्चरिंग क्या होता है कि जो स्पेंट मीडिया जो होता है, जो कि इस पे मीडिया ट्रांस मीडिया खत्म हो चुका है, या ओल्ड कल्चर से भी हो सकते हैं, ओल्ड कल्चर से ट्रांसफर टू न्यू कल्चर, ट्रांसफर टू न्यू कल्चर, न्यू मीडिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है फ्रेश मीडिया है और यहां पर जो मीडिया है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसमें क्या है न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं, तो उसे हम क्या करते हैं फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है, सब कल्चरिंग। ठीक है, अब सब कल्चरिंग करते क्यों हैं, इसमें भी हम मैं आपको बता देता हूँ, इसके कई सारी वजह हो सकती है। एक तो होता है डिप्लीशन, या बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट स्पेंट हो जाता है, न्यूट्रिएंट स्पेंट। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है, इसमें क्या होता है जैसे कि मीडिया जो है, जैसे अगार कैन बी, या न्यूट्रिएंट कैन बी स्पेंट एंड अगार कैन बी डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब होता है जैसे कि मिट्टी, जब गिली मिट्टी होती है तो सही रहती है, जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, तो इस तरीके से इसमें भी क्या हो सकता है डेसिकेटेड, मतलब वो अगार जो होता है वो सूख जाता है, उसके अंदर दरारें सी आपको देखने को मिल सकती है, तो अगार जो होता है कैन भी डेसिकेटेड हो सकता है। ठीक है, एंड जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, एग्रीगेट हो सकते हैं, मेटाबोलाइट कैन एक्यूमुलेट एंड बी टॉक्सिक। ठीक है, तो ये तीन वजह है जिसकी वजह से हमें सब कल्चरिंग करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो स्पेंट हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, क्योंकि 6 से 8 वीक आपने ग्रो करवाया है तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है खर्च हो जाता है। अगार जो होता है वो सूख जाता है, क्योंकि वाटर भी यूज हो जाता है, तो अगार हो सकता है कि वो ड्राई हो जाए। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक जो कंटेंट है वो उसमें क्या हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो फिर एज ए टॉक्सिक की तरह वो काम कर सकते हैं। तो इन वजह से हमें क्या करना पड़ता है, सबकल्चर करना पड़ता है, और सबकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो कैलस हमने डेवलप किया है उसको हम क्या कर सकें, मेंटेन। तो ये जो है हमारा कैलस कल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलस, जो कैलस का इंपॉर्टेंस है वो देखिए आप, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलस, तो जो कैलस जो आपने डेवलप किया है, ठीक है, जो कैलस आपने यहाँ पर बनाया है, इस कैलस से आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप प्लांट प्रोपेगेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसा प्लांट आप बनाना चाहते हो, जैसा कि एक्स प्लांट जिसे लिया था, वैसे आप कई सारे प्लांट बना सकते हो। प्लांट प्रोपेगेशन मीनिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से ही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट आप कर सकते हो। ठीक है, एंड आप जो है कि अगर जो कैलस जो आपने बनाया है अगर वो सॉफ्ट है, ठीक है, कई बार क्या होता है कैलस हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, कैलस जो होता है डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कैक्स प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैलस सॉफ्ट है तो उस कैलस के आप क्या कर सकते हो, उससे सेल सस्पेंशन कल्चर, जो अपना सिंगल सेल कल्चर होता है, या जो ये बोल सकते हैं कि सस्पेंशन कल्चर ही सही है, सस्पेंशन जो कल्चर है वो कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर जैसे कि क्या होता है कैलस में सेल्स होती हैं, तो इनसे आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर सकते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एक्स प्लांट जो होता है उससे जो है आप बायो ऐसे कर सकते हो, मतलब जो कैलस से क्या है सेल्स हैं, और सेल्स में आप कोई चेंजेज वगैरह हैं, कोई एक्सपेरिमेंट है वो आप कर सकते हो, तो बायोएसे की प्रोसेस जो है वो की जा सकती है। और कैलस से जो है फर्दर जो है जैसे कि कुछ भी आप जो है पीटीसी वगैरह यूज कर सकते हो, पीटीसी जो है वो कर सकते हो। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है जो कि आप कैलस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो है हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।